हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। गाइस, मैं सिमरन अरोड़ा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं दही के फायदों के बारे में। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आने वाली है। हम आज भी इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो हमारी किचन में इजीली अवेलेबल होता है, जो है दही। हम जब भी अपने बाल धोते हैं, हम उसके बाद कंडीशनर करना नहीं भूलते। कंडीशनर करना हमारे बालों के लिए आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे बाल बेजान हो गए हैं और इतना पॉल्यूशन होने की वजह से बाल बहुत ही रफ हो जाते हैं। तो कंडीशनर बहुत ज़रूरी हो गया हमारे बालों को स्मूथ बनाने के लिए। सो गाइज, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना। दही एक नेचुरल कंडीशनर है जो हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी बनाने में मदद करता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप अपने दही के बाउल में कुछ नींबू की बूंदें मिलाएं और उसे सिर पे अच्छे से स्कैल्प में लगाएं और मसाज दें। उसे एक घंटा छोड़ दीजिए। एक घंटे के बाद जब आप अपना सिर धोएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके सिर से काफ़ी हद तक डैंड्रफ कम हो चुका होगा। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप अपने दही के बाउल में कड़ी पत्ता को मिला करके अपने सिर पे लगाएं। आपके बाल झड़ना धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपकी न्यू ग्रोथ बालों की शुरू हो जाएगी। दही जितनी खट्टी होगी उतना ज़्यादा आपके बालों को फायदा देगी, क्योंकि उसमें विटामिन सी की मात्रा मल्टीपल टाइम्स में बढ़ जाती है। और साथ ही साथ दही में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के होने की वजह से दही हमारे स्कैल्प के किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करती है। दही हमारे बालों से ड्राइनेस को भी खत्म कर देता है, कोसों दूर भगा देता है ड्राइनेस को। और साथ ही साथ दही हमारे बालों की शाइन को बरकरार रखता है। अगर आप दही का और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप दही में एलोवेरा जेल, हनी या फिर आप उसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अपने सिर पे दही लगाएं तो याद रखें कि दही बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, क्योंकि वैसे ही बहुत ठंडा है और दिसंबर का टाइम वैसे चल रहा है तो आपको ठंड लग सकती है। तो आप दही का टेम्परेचर पहले नॉर्मल होने दीजिए फ्रिज से निकाल के। जब आपको लगे कि हाँ आप इतना ठंडा लगा सकते हैं, तो ठंडा आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप फिर वो लगा सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। दही आप हफ्ते में एक या दो बार से ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर आप दही लगाएंगे आपको अपने बालों को धोना पड़ेगा, शैम्पू करना पड़ेगा, और अगर हम ज़्यादा अपने बालों को शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर आपके चॉइस के टॉपिक पे बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, अब जाऊंगी तो एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।